सर्चिंग जो एरे के अंदर आपका आई में हंड्रेड परसेंट पूछा जाता है तो हम लोग आज सर्चिंग स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास में लीनियर सर्च पढ़ लेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स लीनियर सर्च से हो सकते हैं उससे बाहर लीनियर सर्च में आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा तो बस आपको इस आज की ये क्लास कन्फर्म करनी है कि आप मिस ना करना कोई भी टॉपिक सो दैट सर्चिंग का जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा लीनियर सर्च का वो आपका हिट हो जाएगा ठीक है कन्फर्म आप कर पाओगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और सीधे हम प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं लीनियर सर्च हम लोग पहले दो प्रोग्राम करेंगे देन मैं सर्चिंग के बारे में बताऊंगा और उसमें फिर हम लीनियर सर्च के जो भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स हो सकते हैं वो परफॉर्म करेंगे ठीक है तो पहला प्रोग्राम है राइट प्रोग्राम टू तो एंटर एन एरे जो मैं लास्ट क्लास जहां पे छुट्टी थी वहीं से कंटिन्यू करते हैं हमने एरे के ऊपर कुछ प्रोग्राम्स किए थे वहीं से, से स्टार्ट है हमें एक एरे का इनपुट लेना है और उसके बाद उस एरे पर कुछ परफॉर्म करना है सो राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एन एरे एलिमेंट्स ऑफ द एरे आफ्टर रिवर्सिंग सेम एरे एरे लेना है और आपको उसी एरे के अंदर उसके एलिमेंट्स को रिवर्स करना है हमें नहीं लेना ये ध्यान रखना है कंडीशन है कि हम सेकेंड एरे नहीं लेंगे इसका मतलब क्या है देखो पहले आप समझ लो फिर इसको हम कोड करते हैं फिर इसकी कोडिंग करेंगे जैसे ये एक आपका एरे है और आपने इसमें कुछ एलिमेंट्स ले लिया लाइक टू फाइव थ्री सिक्स एंड वन तो इस एरे का नाम है ए तो अगर हम कोई सेकेंड एरे लेंगे तब तो ये बहुत इजी हो गया अगर हम इसका सेकेंड एरे लेके इस क्वेश्चन को करते हैं तो आपका ये क्या हो जाएगा इसकी जो इंडेक्सेस है जीरो इंडेक्स से एरे को दूसरे एरे में पहुंचाना स्टार्ट कर देंगे दैट मीनस फोर्थ इंडेक्स की जो वैल्यू है जीरो वन टू थ्री फोर जो फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू है उसको हम यहां शिफ्ट कर देंगे देन आपको सिक्स यहाँ पे शिफ्ट करना है थ्री यहां पर फाइव यहाँ पर और टू यहां पर तो सेकेंड एरे के अंदर आपका पूरा जो फर्स्ट एरे है वो रिवर्स हो जाएगा लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन लगी हुई है दैट डू नॉट यूज यूज द एरे 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 तो हम एक हम एक क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे करेंगे जिसमें का यूज करके भी को रिवर्स लेकिन क्योंकि यहाँ पे इस में मेंशन है कि हमें सेकेंड एरे का यूज नहीं करना है तो हम विद इन एरे ये काम करेंगे तो उसका लॉजिक क्या है देखो पहले आपको लॉजिक समझा देता हूँ कि हम क्या करने वाले बहुत इजी सा है हमें बस क्या करना है स्वैपिंग ठीक है आपने ये इसके पहले भी प्रोग्राम्स किए होंगे इसके बहुत छोटा सा एक टॉपिक है स्वैपिंग दैट मीन्स एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के साथ में स्वैप कर देना जैसे अगर ए में टू है एंड बी के अंदर थ्री है तो हमें ए और बी की वैल्यूज को स्वैप करना है स्वैप मीन्स यहाँ पे थ्री आ जाना चाहिए फाइनली और यहाँ पे टू आ जाना चाहिए तो अगर हमें ए और बी की वैल्यूज को स्वैप करना है तो आपको तीन लाइन्स याद रखनी है तीन लाइन्स क्या है आपको एक टेम्प वेरिएबल लेना है टेम्प इज इक्वल टू ए ए इज इक्वस टू बी एंड बी इज इक्वस टू टेम ये तीन लाइन्स हमारे ए और बी की जो वैल्यूज है उनको आपस में स्वैप कर देंगी इन तीन लाइन के एग्जीक्यूशन के बाद ए की वैल्यू में बी की वैल्यू और बी की वैल्यू में ए की वैल्यू स्टोर हो जाएगी तो आपको पहले ही छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेना है फिर हम प्रोग्राम पे आते हैं ठीक है तो ए और बी की वैल्यूज को स्वैप करने के लिए टेप इक्वस टू एक्वी एंड बीवस टू टेम इससे ए और बी की वैल्यूज आपस में एक्सचेंज हो जाएंगी तो स्वैपिंग के थ्रू हम इस प्रोग्राम को परफॉर्म करेंगे देखो कैसे तो आपको दो पॉइंटर्स पॉइंटर का मतलब जो इसके इंडेक्सेस हैं, एक आपका जीरो इंडेक्स और जो भी हमारा होगा तो यहां पर एक आपका लो नाम से पॉइंटर होगा जिसको हम जीरो इंडेक्स पर रखेंगे और एक हाई नाम से पॉइंटर होगा जिसको हम लास्ट इंडेक्स पर रखेंगे जो कि अभी हमारा फोर है और हमें लो और हाई की वैल्यूज को आपस में एक्सचेंज कर देना है तो जब आप लो और हाई की वैल्यूज को एक्सचेंज करोगे तो यहां पर आ जाएगा वन और यहां पर आ जाएगा टू दैट मीन्स वन और टू आपस में एक्सचेंज हो गए इसके बाद लो को हम इंक्रीमेंट करेंगे और हाई को हम डिक्रीमेंट कर देंगे तो लो आपका आ जाएगा वन पे और हाई आपका आ जाएगा थ्री पे फिर से आप लो और हाई की जो वैल्यूज हैं उन इंडेक्सेस पर उन आ, उस पॉइंटर पे उनको एक्सचेंज कर दोगे यहां पर आ जाएगा सिक्स और यहां पे आ जाएगा फाइव देन अगेन हम लो को इंक्रीमेंट करेंगे हाई को हम डिक्रीमेंट करेंगे और इसके बाद यहाँ पे मैं स्टॉप कर देंगे दैट मीनस यहाँ पे मैं रुक जाना है और हमारा पूरा एरे आप देखोगे तो रिवर्स हो चुका है पहले था टू फाइव इसको आप अलग से लिख लो पहले नंबर्स तो थे और अभी जो नंबर्स हैं वो हैं वन सिक्स थ्री टू फाइव दैट मीन्स आप उधर से पढ़ोगे तो आपको एर रिवर्स मिलेगा विद इन सेम एर ठीक ये कॉन्सेप्ट हमें लगाना है बस हमें क्या करना है तो एक्सट्रीम इंडेक्सेस पे जो इंडेक्सेस हैं वहां पे तो पॉइंटर्स को रखना है वहां से वैल्यूज को एक्सचेंज करते आना है। पहले हम लो और हाई का एक्सचेंज करेंगे लो को आप इंक्रीमेंट करोगे हाई को डिक्रीमेंट फिर से एक्सचेंज अगेन लो का इंक्रीमेंट हाई का डिक्रीमेंट और ऐसा तब तक करते जाएंगे जब तक लो और हाई आपस में क्रॉस नहीं कर जाते अब इसी को हमें कोड करना है और आपका प्रोग्राम जो है वो रिवर्स एरे का प्रोग्राम बन जाएगा विदाउट यूजिंग सेकंड एरे देखिए कैसे करना है चलो तो आपका प्रोग्राम हो गया विदाउट यूजिंग सेकेंड एरे हमको एक रिवर्सल करना है विद इन एरे तो क्योंकि हमें एरे का साइज नहीं पता है तो हम इसको आर्ग्यूमेंट सेक्शन में इनपुट लेंगे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था तो आपका सोल्यूशन हो जाएगा आपका सोल्यूशन हो जाएगा क्लास एंड क्लास का नाम रिवर्स देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मैं बार बार हर प्रोग्राम में बताता जाऊंगा और आपको ध्यान रखना है पीएस गलती से भी आपको एग्जाम में नहीं लिखना है वरना आपके कंफर्म मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे इस चीज को ध्यान रखना है ठीक है हम यहाँ पे साइज की वजह से इसको PSVM लिखते हैं सो so दैट एक ही स्क्रीन पे आपका प्रोग्राम हो जाए तो आपको एग्जाम्स में ऐसा नहीं करना है देन अगर हम आर्ग्यूमेंट सेक्शन में एरे का इनपुट लेते हैं तो हमें कंफर्म उसकी लेंथ निकालने के लिए लेंथ प्रॉपर्टी का यूज करना है टू ए डॉट लेंथ इससे आपको एरे की लेंथ पता चल जाएगी सो so दैट आप लास्ट इंडेक्स के बारे में जान पाओगे देन यहां पर एल एक वेरिएबल हो गया एक वेरिएबल हम लो के नाम से लेंगे और एक वेरिएबल हम हाई के नाम से लेंगे वो मैंने और ले लिया यहाँ पे और अब हम कंडीशन लगाते हैं कंडीशन क्या है कंडीशन है जब तक लो और हाई एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर जाते जैसे लो आपका जीरो से स्टार्ट होगा हाई हमारा लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट होगा लो आगे बढ़ेगा हाई पीछे आएगा लो आगे बढ़ेगा हाई पीछे आएगा तो जब तक लो क्रॉस को हाई नहीं करता है दैट मीन हमारा लूप ब्रेकअप होगा जब लो और हाई की वैल्यूज क्रॉस कर जाएंगी तो लूप तब तक चलना चाहिए जब तक लो लेस देन इज इक्वल्स टू हाई है एक्चुअली इक्वल्स टू की जरूरत नहीं है आपको बस लो इज लेस देन हाई लो शुड बी लेस देन हाई आपका लूप चलता रहेगा ठीक है और जब तक ये कंडीशन ट्रू है हमें क्या करना है लो और हाई की वैल्यूज को आपस में एक्सचेंज करना है कैसे एक टेम्प नाम से वेरिएबल आप लोगे आई एन टी टेम्प इज इक्वस टू ए स्क्वायर ब्रैकेट लो देन ए स्क्वायर ब्रैकेट लो इज इक्वस टू ए स्क्वायर ब्रैकेट हाई और एक स्टेटमेंट और इसी कंटिन्यूएशन में आपका हो जाएगा ए स्क्वायर ब्रैकेट हाई टू टेन ओके इससे लो हाई की वैल्यूज आपस में एक्सचेंज हो गई उसके बाद लो को इंक्रीमेंट कर देंगे माइनस so, और, और ये आपका हो गया एंड ऑफ वाई एंड ऑफ वाई मैंने बताया था ना आपको कॉमेंट्स देने कम से कम तीन चार कॉमेंट देने हैं कुछ भी लिखो उसमें जो आपको समझ में आ रहा है लिख दो पढ़ा नहीं जाता लेकिन अगर आपके कॉमेंट नहीं होंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं तो आपको कॉमेंट जरूर देने हैं सो एंड ऑफ वाइल और बस आपका प्रोग्राम खत्म हो गया आपको इसको प्रिंट करा देना है अपना जो ओरिजिनल एरे था वो आप प्रिंट कराओगे सो आई इज इक्वल टू जीरो आई शुड बी लेंथ हमने निकाला है एल में आई शुड बी लेस देन एल एंड आई प्लस प्लस देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ठीक है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन के अंदर एस को कैपिटल रखना है और आपका आ जाएगा ए स्क्वायर ब्रैकेट आई ये आपका प्रोग्राम हो गया ये आपने मेन क्लोज कर दिया ये आपका मेन क्लोज हो गया एंड क्लास क्लोज हो गया यहां पे आपका हो जाएगा एंड ऑफ मेन एंड एंड ऑफ क्लास एंड ऑफ मेन एंड देन फाइनली एंड ऑफ क्लास ये आपका प्रोग्राम है ठीक है ये आपका प्रोग्राम क्या करेगा उसी एरे के अंदर रहते हुए उसके एलिमेंट्स को रिवर्स कर देगा विदाउट यूजिंग सेकेंड एरे पे वेरिएबल्स सब डिक्लेयर कर देना है यहां पे हमारा आई एक वेरिएबल था वो भी डिक्लेयर हो गया ओके okay. फिनिश्ड तो ये लूप आपका यहां से स्टार्ट होता है एंड वो यहां पे आके खत्म हो जाता है ठीक है तो रिवर्सल ऑफ एन एरे विदाउट यूजिंग सेकेंड एरे नेक्स्ट चलिए अगला प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू एंटर एन एरे फाइंड एंड प्रिंट द हाईएस्ट एलिमेंट ऑफ द एरे आपको किसी भी एरे तो के अंदर जो हाईएस्ट है सबसे बड़ी वैल्यू है उसको प्रिंट करना है तो बनाएंगे इसको जो प्रोग्राम हाईएस्ट एलिमेंट इन द एरे का है वही प्रोग्राम आपका लोएस्ट एलिमेंट या स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द एरे का भी हो जाएगा तो बस आप हाइस्ट वाला प्रोग्राम समझ लो और उसके बाद उसमें सिर्फ ग्रेटर देन एंड लेस देन का साइन का एक्सचेंज होगा पूरा प्रोग्राम आपका स्मॉलेस्ट एलिमेंट का भी बन जाएगा ठीक है चलिए ओके okay. तो आपका फिर से एरे के अंदर आपको साइज नहीं मेंशन है तो हम आर्ग्यूमेंट सेक्शन में लेंगे एक्चुअली मैंने प्रोग्राम जो वो लॉजिक अकॉर्डिंग है मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पे आप स्कैनर से इनपुट लोगे कहाँ पे सेक्शन में इनपुट लोगे और कहां पे आपको एरे को इनिशलाइज करना है तो बस अब हम लॉजिक पे फोकस कर रहे हैं तो इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन को लिया है जिसमें हमें स्कैनर को नहीं लिखना है अदरवाइज आपको बोर्ड्स में या कभी भी एग्जाम में चूज करने का जो तरीका है वो मैंने बता दिया ठीक है चलो इसको हम करते हैं हमें क्या करना है हाईएस्ट अच्छा लॉजिक पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हम लगाने क्या जा रहे हैं तो उसके बाद इसको कोट करते हैं देखिए बहुत simple सा logic है सोचना डिफरेंट चीज है और उसको एरे में या प्रोग्राम में सॉरी कन्वर्ट करना अलग चीज है ठीक है तो सोचना आपका बहुत सिंपल होना चाहिए जितना सिंपल आप सोच पाओगे उसी को आप कोट कर पाओगे सो जीरो वन टू थ्री फोर एंड फाइव देखो इसके अंदर नंबर्स ले लेते हैं पहले एट सिक्स टाइव थ्री सेवन ठीक है तो अगर मैं सीधे पूछ लू कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है तो आप ट्वेल्व बताओगे ठीक है अब देखो लॉजिक कैसे लगा होगा इसका हमें तो पता है ट्वेल्व सबसे बड़ा नंबर है ठीक है लेकिन क्या हमने बाकी नंबर्स को नहीं देखा होगा बिल्कुल देखा होगा अगर हम बाकी नंबर्स को नहीं देखेंगे तो फिर हम कंपैरिजन कैसे करेंगे कौन सा नंबर सबसे बड़ा है तो हुआ क्या होगा सबसे पहले एक हम वेरिएबल ले, ले लेते हैं क्योंकि हमें हाईएस्ट का प्रोग्राम बनाना है तो हम एक एल के नाम से वेरिएबल लेते हैं एल मतलब लार्जेस्ट हो गया तो LAR एक वेरिएबल है और मैंने ये मान लिया कि जो एट है आपका जीरो इंडेक्स पर एलिमेंट है उसको हम सबसे बड़ा मान लेंगे इसके बाद क्या करेंगे जो नेक्स्ट एलिमेंट है वन इंडेक्स पर उसका कंपेरिजन करेंगे कि क्या जो अगला एलिमेंट है वो हमारे एजम्पन वाले एलिमेंट से बड़ा है हमने तो माना था एट सबसे बड़ा है क्या नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो इससे भी बड़ा है नहीं नहीं बड़ा है दैट अभी हमने जो माना था वो सही था अगले एलिमेंट पे जाओगे ये आपका हो गया ये एग्जामिन हो गया क्योंकि इसको हमने कर लिया था ये आपका एग्जामिन हो चुका है फिर हम आएंगे ट्वेल्व मतलब सेकंड एलिमेंट पर सेकेंड इंडेक्स पर क्या वो इससे बड़ा है और कब का कंडीशन हो जाएगा ट्रू दैट मीनस हमारा एग्जन रॉन्ग हो गया ट्वेल्व एक ऐसा नंबर है जो हमारे माने हुए नंबर से भी बड़ा है तो हम अपना एग्जाम्शन करेक्ट कर लेंगे और यहां पे आ गया ट्वेल्व जो अब आपका बड़ा एलिमेंट निकला उसको हमने स्टोर कर लिया ओके okay, एक काम करते एक और नंबर हम बड़ा कर देते ये नंबर आपका सबसे हाइएस्ट हो गया ठीक है फिर ये भी एग्जामिन हो गया फिर हम जाएंगे थर्ड इंडेक्स पर क्या फाइव आपका एल की वैल्यू से बड़ा है नहीं बड़ा है दैट मीनस अभी तक हमारे पास सबसे बड़ा नंबर है स्टोर है देन हम फोर्थ इंडेक्स पे जाएंगे थर्टी वन सेम क्वेश्चन क्या 31 जो आपका प्रेजेंट इंडेक्स पे एलिमेंट है क्या वो एल से बड़ा है यस yes. दैट ये कंडीशन फिर से ट्रू हो गई और फिर से हमारा रॉन्ग हो गया तो जो number, sorry, 31, जो नंबर नंबर सॉरी के साथ में कंपेयर करने पर बड़ा है उसको हम ट्वेल्व के अंदर दैट मीन एल के अंदर स्टोर कर देंगे 12 को रिप्लेस कर देगा ये भी एग्जामिन हो गया देन लास्ट फाइव इंडेक्स पर सेवन है क्या सेवन थर्टी वन से बड़ा है नहीं बड़ा है और इसके बाद हम जब बाहर जाएंगे तो आपका एरे खत्म हो गया दैट अब हम एरे से बाहर है हमारा पूरा एरे एग्जामिन हो चुका है और जो नंबर सबसे बड़ा है वो एल एर की सबसे लास्ट अपडेटेड वैल्यू है बस आपको LAR की वैल्यू को प्रिंट कर देना है है ठीक तो जब आप स्मॉलेस्ट के लिए जाओगे तो आपका एक्म्शन सेम रहेगा जब हम क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या हमारा ये वाला नंबर एल से बड़ा है आपको क्वेश्चन रिप्लेस कर देना है आपको करना है कि क्या हमारा एरे का जो नया एलिमेंट है करंट एलिमेंट है क्या वो एल की वैल्यू से छोटा है तो आपको रिप्लेसमेंट करना है देखिए इसी लॉजिक को हम कोड कर देंगे अब चलिए तो आपका प्रोग्राम हो गया क्लास हाईएस्ट, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और एक एरे आर्गुमेंट सेक्शन में एक एरे आपका आ गया आर्गुमेंट सेक्शन के अंदर ठीक है क्योंकि इसमें भी आपको एरे की लेंथ नहीं पता है तो हमें स्कैनर की जरूरत नहीं है ठीक है देन सबसे पहले आपको लेंथ निकालनी है एरे की सो एल इज इक्वल टू ए डॉट लेंथ इससे एरे का लेंथ आ जाएगा और मैंने वहां पे क्या किया था जो सबसे जीरो इंडेक्स पे नंबर था उसको सबसे बड़ा माना था यहां पर आप एक एल के नाम से वेरिएबल लोगे और एल ए आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट जीरो और आपने मान लिया कि ये सबसे बड़ा नंबर है लेट लार्जेस्ट लेट लार्जेस्ट हमने ये मान लिया कि ये सबसे बड़ा नंबर जो किसमें स्टोर हो गया एलेआर के अंदर अब आपको चेक करना है कि क्या एरे में कोई और नंबर है जो एल से भी बड़ा है कैसे लिखोगे आपको लूप चलाना है ताकि आप सारे एलिमेंट्स को एक एक करके एक्सेस कर पाओ I इज इक्वल टू जीरो आई स्मॉलर देन l एंड i प्लस प्लस इससे हम पूरे एरे में मूव कर पाएंगे और आपको चेक करना है कि अगर कोई और एलिमेंट ए ऑफ आई इससे आपके एक एक करके एलिमेंट एक्सेस होते रहेंगे क्योंकि जीरो इंडेक्स का जो एलिमेंट था वो तो एल एआर के अंदर आ गया अब आई एक एक एलिमेंट को एक्सेस करेगा अब यहां पे टेक्निकली अगर आप जीरो ना लिखो तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि जीरो इंडेक्स की वैल्यू को तो हम एल एर में स्टोर कर चुके हैं तो हम यहां पे कर देंगे वन ठीक है नॉर्मली हम जो एरे का लूप है वो जीरो से स्टार्ट करते हैं लेकिन क्योंकि यहाँ पे जीरो इंडेक्स की वैल्यू का आप ऑलरेडी एल में डाल चुके हो तो आपको एरे का जो इंडेक्स एक्सेस करना है वो वन से करना है अगर आप जीरो भी लिखते हो तो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है सो इफ ए ऑफ आई यानी अगर कोई और वैल्यू एरे के अंदर इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ एल दैट मीन्स हमने जो एल को सबसे बड़ा नंबर माना था वो नहीं है कंडीशन ये अगर ट्रू होती है तो जो नंबर एल से बड़ा है उसी नंबर को हम एल के अंदर स्टोर कर देंगे एंड दैट सेट ये आपका प्रोग्राम यहाँ पे खत्म बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है ठीक है तो आपने एल के सबसे अंदर बड़ा नंबर माना जीरो इंडेक्स की वैल्यू एक एक इंडेक्स की वैल्यू को एक्सेस करना शुरू करोगे एरे से अगर कोई और वैल्यू एरे के अंदर बड़ी है एल से दैट मीन उसी वैल्यू को आप एल में ट्रांसफर कर दोगे फाइनली जब ये लूप ब्रेक होगा तो एल के अंदर जो सबसे बड़ा नंबर है वो स्टोर हो चुका होगा और आपको उसे प्रिंट कर देना है तो लूप के बाहर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल विद मैसेज लार्जेस्ट एलिमेंट लार्जेस्ट एलिमेंट इज इक्वल्स टू प्लस एल ए आर ये आपका प्रोग्राम ये आपने मेन क्लोज किया ये आपने क्लास क्लोज किया यहां पे आपको कमेंट्स में कर देना है ठीक है जितने वेरिएबल्स आपने यूज किया आपने L लिया, आपने लिया, लिया और आई वेरिएबल ये सारे वेरिएबल्स आपको लिख लेना है ठीक है ये प्रोग्राम है ठीक है बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है तो जब आपका प्रोग्राम स्मॉलेस्ट एलिमेंट का होगा जैसे ये लार्जेस्ट का हाईएस्ट का हो गया तो अगर आपका स्मॉलेस्ट एलिमेंट का प्रोग्राम होगा तो आपको बस इतना करना है जो ये वाला साइन है इफ के अंदर जो आपका फॉर के अंदर इफ का साइन है इसको आप स्मॉलर बना दोगे ठीक है बाकी कोई चेंजेस नहीं करने अगर आप चाहना थोड़ा सा ठीक रहेगा एल एर फॉर लार्जेस्ट तो वहां पे वेरिएबल का नाम भी चेंज कर देना बट वो इतना मीनिंगफुल नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं चलेगा लेकिन बस आपको स्मॉलेस्ट में इस वाले ऑपरेटर uh, को चेंज करना ये आपका स्मॉलर देन हो जाएगा बाकी पूरा प्रोग्राम ऐसे ही रहेगा ठीक है चलो ये हो गया आपका हाइएस्ट नंबर इन द एरे एक प्रोग्राम आप लिख सकते हो दैट राइट प्रोग्राम टू इनपुट एन एरे एंड प्रिंट द डिफरेंस बिटवीन एंड स्मॉलेस्ट एरे नंबर इन द एरे आपका किसी भी एरे में जो हाइएस्ट एलिमेंट है और जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसका डिफरेंस प्रिंट करना है तो वो प्रोग्राम आप कर सकते हो इसी से हेल्प लेके राइट चलिए फाइनली सर्चिंग देखो 100 परसेंट आने वाली चीज है पहली चीज ठीक है आईसीसी के अंदर आईसीसी टेंथ के अंदर 100 परसेंट आपको प्रोग्राम मिलेगा सर्चिंग का आपके सामने दो वर्ड लिखे हुए हैं लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च आपको दोनों मिलेगा ठीक है? है ये कंफर्म है ये मत सोचना कि दोनों में से कोई एक आना है आपको दोनों चीजें मिलेंगी तो आपको दोनों प्रोग्राम्स को करके देख लेना है जितने भी प्रोग्राम मैं कराऊंगा उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला ठीक है बस नाम चेंज होगा ठीक है जैसे वेरिएबल का नाम है वो चेंज होगा तो जो मेन लॉजिक है वो सेम रहने वाला है जैसे मैंने कहा कि टेन नंबर्स का इनपुट ले लो उन्होंने बोला टेन स्टूडेंट्स की एज का इनपुट ले लो बस इतना डिफरेंस रहने वाला है बाकी सेम चीजें सारी वैसे ही आपको मिलेंगी चलिए सर्चिंग होता क्या देखो सबसे पहले आपका जो सर्चिंग है ये एक टॉपिक होता है कंप्यूटर साइंस के अंदर टॉपिक का नाम है डेटा स्ट्रक्चर ठीक है कंप्यूटर साइंस के अंदर एक टॉपिक होता है क्चर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी चीजें आती है डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है पहले आपको वो बता दू डेटा वर्ड तो आपको क्लियर है डेटा का मतलब वेरिएबल वेरिएबल के अंदर वैल्यूज ठीक है उसी के ऊपर हम कैलकुलेशन करते हैं डेटा स्ट्रक्चर जो है वो एक्चुअली वो प्रोग्राम है जो रियल लाइफ में यूज करते हो आप जैसे प्रिंटर के अंदर एक प्रोग्राम पड़ा होता है जो पेजेस को सेलेक्ट करता है फॉर प्रिंटिंग ठीक है इसी तरह से स्कैनर के अंदर सॉफ्टवेयर पड़ा होता है तो जितने भी सॉफ्टवेयर आपके हार्डवेयर के अंदर काम करते हैं ऐसे बहुत एक रेंज है उनकी उन सारे सॉफ्टवेयर्स को यानी उन हार्डवेयर्स के लिए जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर लिखे जाते हैं प्लस जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट है अमेजोन है या इवन आपका मोबाइल नंबर है उसके अंदर भी जो सॉफ्टवेयर पड़े जैसे मैं आपको थोड़ा फेमिलर कर दूं जैसे आप फ्लिपकार्ट आपने को सर्च किया उसके बाद आपको देखना होता है कि ये सस्ते कहां से शुरू हुए तो आप उसको करते हो ना लो टू हाई हाई टू लो वो एक तरह का अरेंज करने का प्रोग्राम है सॉर्टिंग हमारे सिलेबस में भी सॉर्टिंग था लेकिन वो पिछले दो साल से ये कोविड टाइम की वजह से हटा दिया गया है इस साल भी आपका सॉर्टिंग नहीं पढ़ाया जाएगा ठीक है बोर्ड्स में सॉर्टिंग नहीं आएगा अगर आपके होम एग्जाम में स्कूल में पढ़ाया गया तो अलग बात है ठीक है तो सॉर्टिंग भी आपका डेटा स्ट्रक्चर का ही पार्ट है आपके मोबाइल में सॉर्टिंग का प्रोग्राम पढ़ा होता है जो भी आप मोबाइल नंबर सेव करते हो अरेंज हो जाते हैं ऑटोमेटिकली दैट मीनस वो बैकग्राउंड में सॉफ्टवेयर काम करता रहता है प्रोग्राम ठीक है तो ऐसी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं उसी में से एक टॉपिक आपका है सर्चिंग ठीक चलिए तो सर्चिंग के बारे में जानते हैं नाम ही बता रहा है उसका ठीक है कि किसी लिस्ट के अंदर से लिस्ट मतलब एरे के अंदर से कुछ सर्च करना दैट इज कॉल्ड सर्चिंग तो यहाँ पे सर्चिंग के दो टेक्निक्स हैं एक है लीनियर सर्च जो हम आज पढ़ने वाले हैं एक आपका है सर्च जो हम आज नहीं पढ़ेंगे उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ठीक है प्लस बोर्ड्स में दोनों आएंगे आपको ऑप्शन नहीं होने वाला है ठीक है चलिए अब लीनियर सर्च सर्च है क्या ठीक डेटा स्ट्रक्चर में बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं तो हमने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एक टॉपिक है सर्चिंग को पढ़ना है सर्चिंग की डेफिनेशन हो गई वैसे पूछा नहीं जाएगा बट फिर भी सर्चिंग क्या है सर्च एन एलिमेंट फ्रॉम द एरे द टेक्निक वी यूज इज कॉल्ड सर्चिंग there are two types of searching in the array in the uh, in the uh, java ya in the computer science number one linear search and number two binary search difference kya hai pehle je dono jo searching technique ho array ke upar lagayi jati hain to searching jo aapka linear search hai ye work karti hai on both type of array aapka array sorted ho arrange ho ya fir randomly उसमें numbers डाले गए हो arrange नहीं भी होगा तो भी काम करेगा तो जो linear search है इसके लिए आपको जान लेना है it works on sorted and unsorted both types of array both types of array जो आपका linear search है वो दोनों array पे काम करता है whether array is sorted or unsorted ठीक है दोनों पे काम करेगा लेकिन जो बाइनी सर्च है ये आपका सिर्फ सॉर्टेड एरे पे काम करता है ये इसकी कंडीशन है ठीक है जो बाइनी सर्च है इट वर्कस ऑन इट वर्स ऑन ओनली सॉर्टेड एरे ये सिर्फ शॉर्टेड एरे पे काम करेगी तो पहली तो कंडीशन आपको यह ध्यान रखनी है लीनियर सर्च दोनों पे काम करता है बट बाइंड सर्च सिर्फ शॉर्टेड एरे पे काम करेगा पहला डिफरेंस दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि आ, मतलब विच सर्चिंग टेक्निक वर्क ऑन ओनली सॉर्टेड एरे तो आपको ध्यान रखना है बाइनिर्च uh, ठीक है ओनली दोनों पे ये काम करता है आपका एरे सॉर्टेड होगा तो भी काम करेगा नहीं सॉर्टेड होगा रैंडम नंबर्स होंगे तो भी काम करेगा ठीक दूसरा डिफरेंस ये हो सकता है जो लीनियर सर्च है है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। लेकिन फिर उसमें डेटा पे भी डिपेंड करता है मान लो टेन थाउजेंड एलिमेंट है और हमें चेक करना है कि उसमें हमारा एलिमेंट है कि नहीं है उस केस में लीनियर सर्च टाइम टेकिंग हो जाएगा बट बाइंड सर्च आपको तुरंत आंसर देगा तो आप ये भी लिख सकते हो ये स्लोअर इट इज स्लोअर बट ये जो आपका है वो फास्टर है इन कंपेरिजन टू लीनियर सर्च तो ये हमारा फास्टर है एक्चुअली स्लोअर और फास्टर में थोड़ा सा फिर ये भी देखना पड़ेगा कि डेटा कितना है लेकिन फिर भी लीनियर सर्च आपका स्लोअर है एंड जो बाइनरी सर्च आपका है वो फास्टर है तो आप इस तरह से ये डिफरेंस हो गया लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के बारे में बाकी सर्चिंग होती क्या है वो हमने देख लिया अब हम लीनियर सर्च से स्टार्ट करेंगे ठीक है चलो लीनियर सर्च से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं छोटी सी कि लीनियर सर्च पे काम करते कैसे हैं ठीक है सो so देट आप जब क्वेश्चन पे आओ तो समझ जाओ कि हम प्रोग्राम किस लॉजिक के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं देखो लीनियर सर्च इज जस्ट लाइक कि आप किसी बिल्डिंग में जाते हो और एक एक फ्लैट में जाके चेक करते हो कि आप जिसको ढूंढ रहे हो वहां पे प्रेजेंट है कि नहीं है या इससे भी आप एक इजी एग्जांपल ले सकते हो सपोज आप कोई बुक लेते हो और बुक को आप एक एक पेज से ओपन करते हो सपोज आपको पेज नंबर हंड्रेड पे जाना है तो पेज नंबर वन पेज नंबर टू पेज नंबर थ्री आप एक एक पेज ओपन करके अगर पेज नंबर हंड्रेड तक पहुंचते हो दैट मीनस ये आपका लीनियर सर्च है ठीक है बहुत सिंपल सा है तो लीनियर सर्च के लिए आपको ऐसे देखना है सपोज ये एक एरे है और इसमें नंबर्स हैं ठीक है थीके? ध्यान रखना हमारा जो एलिमेंट है वो दोनों ऑर्डर में हो सकता है फॉर लीनियर सर्च आपका चाहे सॉर्टेड समझे अनसॉर्टेड तो यहां पर हम रैंडम एलिमेंट्स की बात करते हैं जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है अभी हम लोग रैंडम एलिमेंट्स इसमें डालते हैं फाइव सिक्स एट थ्री फोर फोर्टीन एंड सेवन ये हमने रैंडम एलिमेंट्स डाल दिए ठीक अब एक नम, ये एरे हो गया आपका ये एक एरे होगा सपोज ए अब एक नंबर हम लेते हैं नम एक वेरिएबल है एंड उसके अंदर मैंने एक वैल्यू डाल दी फोर ठीक है कि क्या इस एरे के अंदर फोर एलिमेंट है तो ठीक है इस एरे के अंदर फोर एलिमेंट है आपका मैसेज आ जाएगा सर्च सक्सेसफुल बस इतना करना है आपको करेंगे कैसे अब आप डायरेक्टली वहां पे नहीं देख लोगे ठीक है वो तो छोटा सा एल, आपका एरे है तो आपने देख लिया हम स्टार्ट यहां से करेंगे क्या जीरो इंडेक्स के साथ में मैच करता है नहीं करता है और इसी को हम कंटिन्यू करते जाएंगे क्या फोर आपका वन इंडेक्स की वैल्यू से मैच करता है नहीं करता है क्या टू इंडेक्स की वैल्यू से मैच करता है नहीं करता है थ्री इंडेक्स की वैल्यू से नहीं करता है क्या फोर इंडेक्स की वैल्यू से मैच करता है बिल्कुल करता है यहां पे हमें स्टॉप कर देना है है ठीक हमारा प्रोग्राम फ्रीक्वेंसी को काउंट करने का नहीं है कि फोर कितनी बार आया है तो जहां पे पे पहली बार आपको आपको फोर मिल जाएगा आपको वहीं स्टॉप कर देना है एंड आपको प्रिंट कर देना है कि ठीक है हमारा नंबर मिल गया सर्च सक्सेसफुल लेकिन अब यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है इसको करेंगे कैसे ठीक है तो बस इसके लिए आप प्रोग्राम देखो कैसे करेंगे ठीक इसके लिए हम क्वेश्चन देखते हैं अपना कि हम कैसे करना है ठीक है ओके okay. देखिए अब ये क्वेश्चन आपका है ठीक है थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा तो मैं इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेता तो मैं उधर से स्टार्ट करता हूं सो so दैट जब मैं सामने ना रहूं आपके तो आप देख सको कि मैंने उधर क्या लिखा है ठीक है चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपका प्रोग्राम है आपका राइट अ प्रोग्राम टू एंटर एन एरे कंटेनिंग इंटीजर वैल्यू जैसे अभी मैंने पीछे एग्जाम्पल दिया ना तो इसमें इंटीजर वैल्यूज उसमें हैं तो हमारा जो एरे होगा वो इंटीजर टाइप का होगा डेटा टाइप हमें इंटीजर रखना है देन उसके बाद इनपुट एन एलिमेंट एलिमेंट हमें एक उसके अंदर इनपुट करना है जिसको हम स्कैनर से इनपुट करेंगे हम आर्ग्यूमेंट सेक्शन में एरे को इनपुट लेंगे एक नंबर का इनपुट करेंगे हम स्कैनर के थ्रू उस नंबर को हमें एरे में सर्च करना है यूजिंग लीनियर सर्च टेक्निक देखो कैसे करना है चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम आपका हो जाएगा अच्छा इसमें स्कैनर भी लगाना है ठीक है अब आपको अगर ये कंफ्यूजन है कि हमें कैसे पता चलेगा इसमें आर्ग्यूमेंट भी है स्कैनर भी है आप चाहो तो इसको विदाउट स्कैनर भी कर सकते हो या फिर आपके पास ऑप्शन है ठीक है तो इसको हम स्कैनर और आर्ग्यूमेंट सेक्शन का मिक्सअप कर देते हैं अभी तक हमने ऐसा कोई प्रोग्राम किया भी नहीं है तो ये आपका हो जाएगा इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार पैकेज पैकेज जो स्कैनर क्लास के लिए जरूरी है ठीक है इसके बाद हम अभी पढ़ेंगे इसको थ्योरेटिकल भी पढ़ेंगे पैकेज होता क्या है ठीक है क्लास और क्लास का नाम रखते हैं लीनियर क्योंकि हम लोग लीनियर सर्च कर रहे हैं देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन सब स्मॉल लेटर्स में होगा एंड int a स्क्वायर ब्रैकेट और यहां पे ठीक है मैंने एक चीज पहले भी बताई थी फिर से आपको बता दूं जब हम आर्ग्यूमेंट सेक्शन में एरे का इनपुट लेते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखा जाता है सेंटेक्स है अगर आपने लिखा तो नंबर कट जाएंगे अब हमें क्या करना है हमें एरे मिल गया जो आपका पहला लाइन था राइट ए प्रोग्राम टू एंटर एन एरे कंटेनिंग इंटीजर वैल्यूज वो हो गया हमने एक एरे का इनपुट ले लिया अब यहाँ पे है इनपुट एन एलिमेंट हमें एक एलिमेंट का इनपुट करना है जिसको हम स्कैनर से इनपुट करेंगे तो यहाँ पे स्कैनर वाली लाइन रहेगी इसमें हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे एस के नाम से ठीक है लाइन आपको पता है ना स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर इन ब्रैकेट सिस्टम डॉट इन जिसमें स्कैनर का एस अगले वाले स्कैनर का एस और सिस्टम का एस कैपिटल रहेगा ठीक है देन अब हमें नंबर का इनपुट लेना है सो आई एन टी नम और इसके बाद इसका इनपुट लेते हैं जो हमें सर्च करना है एस ओ पी एल एन एंटर नंबर टू सर्च आप एक ऐसा मैसेज दो एंड नम इज equals टू एस सी डॉट नेक्स्ट आइन टी ये आपका एक नंबर इनपुट हो गया जिसे हमें एरे में सर्च करना है जैसे एग्जांपल मैंने अभी पीछे क्या दिया है कि हमें फोर को सर्च करना है तो यूजर ने आपको एरे दे दिया और आपने एक नंबर का इनपुट ले लिया इस स्कैनर के थ्रू जो हमें एरे के अंदर सर्च करना है ठीक है अब हम एरे के अंदर घूमेंगे जाके उसको चेक करेंगे तो घूमने के लिए एरे की स्टार्टिंग होती है जीरो इंडेक्स से सो फोर आई इज इक्वस टू जीरो I is smaller than L and I plus plus हमने भी L का यूज़ नहीं किया डेट में हमने ऐडेड की लेंथ नहीं निकाली है वो आप यहाँ पे निकाल दो L is equals to A dot length A dot L e N G T H इससे हमारा ऐरे का लेंथ आ गया और अब हम पूरे ऐरे में मूव कर सकते हैं हम एक-एक एलिमेंट -एक को एक्सेस करेंगे कैसे if A square bracket I इससे क्या होगा एक एक एलिमेंट आपका एक्सेस होता जाएगा सबसे पहले हमने आई को पे पे रखा है जीरो पे। तो अगर स्क्वायर ब्रैकेट आई का मतलब हमने A तो हम एरे को क्या कर देंगे ब्रेक कर देंगे लेकिन अब यहां पे एक चीज करनी है हमें एक वेरिएबल लेना है फ्लैग के नाम से जिसको हम इनिशियल कितना रखेंगे जीरो ठीक है तो यहाँ पे आपको क्या करना है जो फ्लैग वेरिएबल है इसको हम करेंगे वन और लूप से बाहर जाके आपको ब्रेक कर देना है और लूप सॉरी हम उसको फ्लैग को वन करके ब्रेक कर देंगे एंड लूप से बाहर जाके हम फ्लैग की आइडेंटिफिकेशन चेक करेंगे जो फ्लैग का इंडिकेशन है हमने फ्लैग को रिमेन जीरो किया था दैट मीन्स हमने मान लिया था कि हमारा नंबर एरे में नहीं है इस कंडीशन के ट्रू होने का मतलब है कि नंबर हमारा एरे के अंदर प्रेजेंट है हम फ्लैग को वन करके वहां से क्या कर देंगे ब्रेक कर देंगे लूप से बाहर जाके चेक करोगे अगर फ्लैग की वैल्यू वन हुई है तो इसका मतलब आपका एरे में के अंदर वो नंबर प्रेजेंट है जो आपने नम में इनपुट लिया था अब कुछ गलतियां जो आप कर दे बैठते हो वो देख लो ये डबल इक्व रहेगा इफ के अंदर कभी भी सिंगल इक्व लगता ही नहीं है अनलेस एनटिल आप उसको नॉट के साथ ना लगाओ ठीक है ये सिंगल है क्योंकि इसके साथ में नॉट लगा हुआ है अदरवाइज कभी भी इफ के अंदर सिंगल इक्वस टू नहीं लगता तो यहां पे आपको ध्यान रखना है ये आपको नहीं यूज करना है देन आपको एक दूसरी चीज भी बता देता हूं वो भी गलती हो जाती है अक्सर ये यह, यहां पर कुछ लोग डबल टू लगा देते हैं वो डबल टू नहीं लगाना है ठीक है तो फ्लैग से बाहर डबल इक्व टू नहीं लगेगा फ्लैग के अंदर सिंगल इक्वस टू नहीं लगेगा ठीक तो बस ऑलमोस्ट खत्म है अब हमें क्या करना है यहां पे आपको फ्लैग का इंडिकेशन चेक करना है अगर फ्लैग की वैल्यू वन हुई है दैट मीन नंबर फाउंड तो यहां पे आपको लिखना है इफ फ्लैग इज इक्वस टू वन ठीक है इसी कंटिन्यूएशन में आप उधर लिखोगे फ्लैग देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एंड सर्च सक्सेसफुल ठीक है मैं जिके के अकॉर्डिंग थोड़ा शॉर्ट मैसेज लिख रहा हूँ, आप वहां पे पूरा सर्च सक्सेसफुल जो कि यहां पे लिखा हुआ है वैसे ठीक है सर्च सक्सेसफुल एल्स Not found. Element not found, एक आपको एक मैसेज देना है तो आपको यहां पे देना है ये ये आपका खत्म हो गया ये आपने क्लोज कर दिया दिया ये हमने class close कर कर्ली ब्रैकेट नहीं, नहीं बनता अच्छा सा मेन क्लोज एंड क्लास क्लोज जितने भी वेरिएबल्स थे वहां पे सारे डिक्लेयर कर दे एल में हमने लेंथ निकाला था नम वेरिएबल को डिक्लेयर करना है आई वेरिएबल को डिक्लेयर करना है फ्लैग को इनिश्लाइज करना है जीरो के साथ ठीक है ये आपका प्रोग्राम है लिनियर सर्च का जब हमारे पास जो एरे था उसमें हमने इन टीजर्स को रखा हुआ था ठीक है क्योंकि जो अगला प्रोग्राम है उसमें हम लोग स्ट्रिंग पे काम करेंगे मतलब लीनियर सर्च तो आप करोगे लेकिन लीनियर सर्च ऑन स्ट्रिंग तो हमें क्या करना है सब कुछ वैसा ही है सब कुछ वैसा ही है बस आपको यहां पे चेंज करना पड़ेगा

एक और प्रोग्राम है ठीक है मैंने इसको पहले ले लिया था लेकिन क्योंकि अभी हमने स्ट्रिंग नहीं पढ़ाया तो स्ट्रिंग कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे ठीक है दो स्ट्रिंग वैल्यूज का कंपैरिजन कराने के लिए हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसको हम जावा लाइब्रेरी क्लासेस में पढ़ेंगे तो स्ट्रिंग जब हम पढ़ लेंगे तब वापस हम लीनियर सर्च को पढ़ेंगे ऑन स्ट्रिंग ठीक आज आप इसको पढ़ लो ये आपका लास्ट प्रोग्राम है आई थिंक यस ये लास्ट प्रोग्राम है ठीक है लीनियर सर्च ये बस इसमें है क्या एग्जाम में जब प्रोग्राम आपको आएगा लीनियर सर्च का या बाइंड सर्च का तो बेसिकली दो तरह से आएगा एक में क्या होगा एक ही एरे के ऊपर आपको एक नंबर सर्च करना होगा जो अभी आपने पीछे किया दूसरा प्रोग्राम आएगा जिसमें दो एरेज लेने होंगे जैसे इस प्रोग्राम के अंदर क्या है आपको दो एरेज लेने एक एरे के अंदर आपका मोबाइल नंबर स्टोर होगा सपोज दस लोगों का मोबाइल नंबर एक एरे में है ठीक है और एक दूसरा एरे होगा जिसके अंदर आपको उनके नेम स्टोर करने पड़ेंगे ठीक है आपका हो गया इनपुट मोबाइल नंबर एंड जो दूसरा एरे होगा उसमें जो उनके ओनर्स का नाम होगा वो आप स्टोर करोगे फिर एक मोबाइल नंबर का इनपुट लेके मोबाइल वाले एरे में सर्च करोगे अगर वो उसमें है वो मोबाइल नंबर तो दूसरे एरे से जो आपका ओनर का नेम है वो आपको प्रिंट करना है ठीक है ये प्रोग्राम है तो या तो सिंगल एरे का क्वेश्चन आएगा या तो दो एरे का क्वेश्चन आएगा लेकिन कंफर्म आएगा तो आपको बहुत ईजी सा है एक लाइन सिर्फ बढ़ती है ठीक है जैसे जब ये प्रोग्राम हम करेंगे ना तो आपको जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया है सर्च का आप बोल सकते हो 95 परसेंट या उससे भी ज्यादा चले 98 99 सेम प्रोग्राम है बस एक लाइन का चेंज है ठीक है देखो तो ये दो एरियस का प्रोग्राम हो गया ठीक यूजिंग लीनियर सर्च तो मैं राइट हैंड साइड से फिर से लिखता हूं देखिए तो आपका ये प्रोग्राम हो गया क्लास अब इसमें हमें दो एरेज लेने हैं ठीक है इसमें हमें दो एरेज लेने हैं क्लास एंड प्रोग्राम का फिर से नाम है लीनियर एक एरे हो जाएगा जिसमें हम मोबाइल नंबर्स को स्टोर करेंगे सो सो फॉर मोबाइल नंबर्स एक एरे हो जाएगा जिसमें हम नाम स्टोर करेंगे स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट अब अगर किसी का ये क्वेश्चन है कि अभी आपने एक क्वेश्चन स्ट्रिंग का खत्म रुकवा दिया नहीं पढ़ाया आज क्योंकि स्ट्रिंग हमने नहीं पढ़ा है एक्चुअली इस प्रोग्राम में हमें स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है हमें स्ट्रिंग को सिर्फ स्टोरेज करना है मतलब हमें सिर्फ इस उसको स्टोर करना है तो हम इसको यूज कर सकते हैं पे पे स्ट्रिंग के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा ठीक है है देखिए अब स्कैनर का प्रोग्राम है, तो आपको इम्पोर्ट वाली लाइन भी यूज करनी है इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार क्योंकि हम जो इनपुट लेंगे मोबाइल नंबर का सर्च करने के लिए वो स्कैनर से लेंगे ठीक है चलो तो आपका ये प्रोग्राम हो गया ओके एक मिनट बस चलिए ठीक है अब आप उसको एडजस्ट कर लेना वहाँ पे हमारा इंपोर्ट जावा डॉट जूटिल डॉट स्टार का जो लाइन है वो आपको वहां पे लिखना है ठीक है स्कैनर के लिए देन पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन ओके मैंने क्लास में लिख दिया मेरी गलती ठीक है ये पी एस वी एम में रहेगा चलिए सो लीनियर और पी एस वी एम और ये आपका हो गया आई एन टी एम एम के अंदर हमने एक मोबाइल uh, नंबर्स का एरे है और आई एन टी एन सॉरी स्ट्रिंग एन जिसके अंदर हम नेम का इनपुट लेंगे एक हमने एरे लिया स्ट्रिंग टाइप का एन जिसके अंदर हम नाम स्टोर करेंगे अब ये यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है जितने नंबर ऑफ मोबाइल नंबर्स होंगे जो दूसरा एरे वो इतने ही एलिमेंट्स को कंटेन करेगा लेकिन इसको हमें चेक नहीं करना है ठीक है मतलब आप मान के चल रहे हो जितने लोगों का मोबाइल नंबर आपको सेंड किया गया है दूसरे एरे में उतनी ही लिस्ट आपकी उनके ओनर्स की है ठीक तो ऐसी कोई चीज अगर आपके माइंड में आती है तो आप उसको दूर कर दो अभी आपको टेंथ में ये सब चेक नहीं करना है ठीक है ये एजम्सन आपको लेके चलना है चलिए तो अभी क्या करना है हमें सबसे पहले तो हमें स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है एक मोबाइल नंबर को इनपुट कराने के लिए सो स्कैनर वाली लाइन यहाँ पे आ जाएगी स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन ठीक इसको हम पहले कर चुके हैं इसके बाद अब आपको एक मोबाइल नंबर का इनपुट लेना है सो आई एन टी नम एक हम नम नाम से वेरिएबल लेंगे और इसके अंदर वो मोबाइल नंबर स्टोर करेंगे जो हमें सर्च करना है एरे में और ये आपका हो जाएगा एस ओ पी एल एन और यहां पे आपको मैसेज देना है एंटर अ नंबर और एंटर अ मोबाइल नंबर एंड नम इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी इससे आपका वो नंबर स्टोर आप करा लोगे नम के अंदर जो आपको सर्च करना है एरे वाली लिस्ट में एम के अंदर ठीक है एम के अंदर आपको नम को सर्च करना है बाकी सारी चीजें वही है हमें यहाँ पे एक फ्लैग का वेरिएबल लेना है जिसको इनिशियल हम जीरो कर देंगे फिर आपको एक लूप चलाना है आई इज इक्वल टू जीरो हमने अभी लेंथ कैलकुलेट की किसी भी एक एरे की आप लेंथ कैलकुलेट कर लोगे या तो आप एम की लेंथ कैलकुलेट कर लोगे और या फिर आप एन की लेंथ कैलकुलेट कर लोगे क्योंकि दोनों एरेज में मान के चल रहे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है सो आई लेस देन एल एन आई प्लस प्लस और सेम प्रोग्राम है जो आपने पीछे किया है एफ एम ऑफ आई इज इक्वल्स टू इक्वल्स टू नम अगर मोबाइल नंबर वाले एरे से कोई भी एक एलिमेंट नम की वैल्यू से मैच होता है दैट मीन वो ओनर का मोबाइल नंबर उस लिस्ट में प्रेजेंट है हमें क्या करना है तुरंत फ्लैग को वन करके ब्रेक करना है वहां से फ्लैग इज इक्वस टू वन और यहां से आपको कर लेना है ब्रेक ये आपका ब्रेक हो गया ठीक बिल्कुल सेम प्रोग्राम वही है लूप से बाहर जाके आपको ब्रेक की सॉरी फ्लैग जो वेरिएबल है उसकी सॉरी uh, इंडिकेशन चेक करनी फ्लैग की वैल्यू कितनी हमने फ्लैग को इनिशियल जीरो किया था क्या फ्लैग वन हुआ आपको चेक करना है इसी कंटिन्यूएशन में इफ फ्लैग इज इक्वल्स टू इक्वल्स टू वन अगर फ्लैग की वैल्यू वन हो गई है दैट मीन नंबर फाउंड और हमें दूसरे एरे से जो आई इंडेक्स की वैल्यू है वो प्रिंट कर देनी है तो यहां पर आपका हो जाएगा एसओपीएल एन और जो दूसरा आपका स्ट्रिंग वाला एरे है उसमें से आपको आई इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करनी है मतलब अगर आपका मोबाइल नंबर एम वाले एरे में मिल जाता है तो दूसरे एरे से आपको आई इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट कर देनी है वो आपका ओनर का नाम प्रिंट कर देगा एंड एल्स एक अप्रोप्रिएट मैसेज दैट एलिमेंट नॉट फाउंड या मोबाइल नंबर नॉट फाउंड यहां पर आपका आ जाएगा नॉट फाउंड तो ये आपका प्रोग्राम हो गया लीनियर सर्च का जिसमें हमने दो एरेस को लेके सर्चिंग की है ठीक है कॉमे लिखना नहीं घूलना है तो जितने भी वेरिएबल्स आपने लिए आई हो गया, एल हो गया नम हो गया एंड बस ठीक है फ्लैग हो गया फ्लैग को इनिशलाइज करना है जीरो तो ये प्रोग्राम आपका दो एरे पे है जिसमें हम सर्चिंग बिल्कुल वैसे ही करते हैं यहां तक प्रोग्राम आपका सेम है बस अगर फ्लैग की वैल्यू वन है दैट मीनस इफ एलिमेंट फाउंड तो हमें दूसरे वाले एरे से जो आपका एक एरे हो गया फॉर मोबाइल नंबर एक हो गया end, जिसमें हम नेम को को स्टोर करते हैं स्ट्रिंग वाला एरे एरे आपको दूसरे आरे से आई इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करना है तो अगर ये मोबाइल नंबर है तो उसका ओनर नेम से प्रिंट हो जाएगा अदरवाइज आपका मैसेज हो जाएगा नॉट फाउंड तो इस तरह से आपका ये सर्चिंग है तीन प्रोग्राम है ठीक है जिसमें से एक प्रोग्राम मैंने आज आपको ड्रॉप कराया है क्योंकि अभी हमने स्ट्रिंग नहीं पढ़ा है एक प्रोग्राम हो गया जिसमें हम इंटीजर के एरे लेंगे इंटीजर वैल्यू को सर्च करेंगे एक प्रोग्राम हो जाएगा जिसमें नेम का स्ट्रिंग का एरे होगा और एक नाम उसमें सर्च करेंगे जो आज ड्रॉप किया है हमने उसके प्लेस पर एक प्रोग्राम हमने किया है जिसमें दो एरेज हैं एक इंटीजर का एरे एक स्ट्रिंग का एरे है इंटीजर वैल्यू को सर्च करेंगे इफ फाउंड तो दूसरे एरे से उसका जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो हम प्रिंट करा देंगे दैट मीन ओनर्स नेम प्रिंट करा देंगे ठीक है तो बस आज की क्लास में आपका लीनियर सर्च आपने पढ़ा लीनियर सर्च एग्जाम्स में श्योर आएगा आप उसको लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो सिंगल एरे और डबल एरे ए दोनों ठीक है बस इतना ही था आज की क्लास में नेक्स्ट क्लास में हम लोग को बाइनी सर्च पढ़ना है मिस नहीं करना है जो भी आपके फ्रेंड्स हैं आप उनको भी इन्फॉर्म करो कि भाई आप बाइनी सर्च पढ़ना चाहते हो या लीनि सर्च की मेरी रिकॉर्ड हो चुकी है क्लास इसको आप देखो और बायनीज सर्च के लिए नेक्स्ट टाइम पे आप उनको भी इनवाइट करो ठीक है चलिए बस थैंक यू आज के लिए इतना ही है अपना ध्यान रखिए बाय बाय